नमस्कार, मेरे YouTube चैनल कोर ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि आयुष्मान मित्र है जो वैकेंसी आई है अभी, जो बहुत पहले जब आयुष्मान कार्ड जब आए थे 2018 में, उस टाइम पे इस तरह की वैकेंसी आई थी। अभी फिर से निकली है आयुष्मान मित्र का वैकेंसी, जिसमें आपको क्या क्या वैकेंसी जो क्वालिफिकेशन नीड है गवर्नमेंट को, या कैसे आप अप्लाई करेंगे, पूरी मैं डिटेल इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो जो आयुष्मान मित्र होता है, आपको मालूम है कि आयुष्मान कार्ड जिनके पास है उनको 5 लाख तक के लिए जो बीमा होता है, इंश्योरेंस होता है उनका, उसमें क्या है कि आपको यदि कोई कोई भी इलाज की ज़रूरत पड़ती है, तो कोई भी सरकारी हो या प्राइवेट अस्पताल में हो, सरकारी में तो ऐसे पैसा नहीं लगता है, लेकिन कोई भी निजी जो अस्पताल बोलते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल, यदि उसमें आप इलाज करवाते हैं, तो 5 लाख रुपए तक के लिए आप इलाज करवा सकते हैं फ्री में, बिल्कुल गवर्नमेंट उसके पैसे पेमेंट करती है। तो वही जो सरकार ने निकाला था, तो वो उनका मेन मकसद है कि हर जो ज़रूरतमंद हैं उनके पास इसकी जानकारी पहुंचनी चाहिए, या जो मरीज हैं या जो उनके परिजन जो हैं उनको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम ना हो पेपर वर्क में। तो इसीलिए आयुष्मान मित्र का जो वैकेंसी निकाला जाता है। बात करें कि भारत के निजी और सरकारी अस्पताल में मित्रों की नियुक्ति की जाएगी, मतलब ये नियुक्ति होने वाली है। अगर आप चाहें तो आप भी आयुष्मान मित्र बनकर भारत सरकार की योजना का लाभ ले सकते हैं, कोई भी ले सकता है इसमें, बट एक एज फैक्टर है कि आपको मैं बता दूं कि मिनिमम 18 ईयर्स होना चाहिए और आपकी 12वीं मतलब 12th आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, और अच्छी कमाई कर सकते हैं इसमें। आयुष्मान मित्रों का कार्य जो भारत सरकार की योजना का प्रचार प्रसार करना है, जो कि आयुष्मान मैंने बताया था कि आपको आयुष्मान के बारे में, आयुष्मान कार्ड के बारे में हर जगह जानकारी आपको फैलाने के लिए काम किया जाएगा, दिया जाएगा जो, और लोगों को बीमा करवाने की जागरूकता फैलाना है। तो लोग आम पब्लिक को आपको जागरूक करना है, अवेयर करना है कि आप ये आयुष्मान कार्ड बनवाइए, ताकि आपके 5 लाख तक का लिए जो सरकार जो दे रही है फ्री ऑफ कॉस्ट जो इंश्योरेंस, वो आप ले सकते हैं। बात करें फ्रेंड कि मरीजों के प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज की जांच करना, उनका डेटा बीमा एजेंसी को भेजना, और बीमा एजेंसी के द्वारा पैसे जो आते हैं वो मुफ्त इलाज के बारे में जागरूकता फैलाना, तो इस तरह का जो सारे प्रोसेस हैं इसमें आपकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए आयुष्मान मित्र का वैकेंसी निकला है। अस्पताल में इलाज करवाने में नागरिकों की मदद करना, सभी कागजों कार्यों में उनकी सहायता करना, जैसा कि मैंने बताया था फ्रेंड, अभी आयुष्मान मित्र का यही काम होता है, जिसमें कि जो सरकार योजना निकालती है, जैसे कि आयुष्मान कार्ड निकालिए 5 लाख का, तो उसमें जो भी मरीज को पेपर वर्क की ज़रूरत होती है वो आप उसे गाइड करेंगे, एडमिशन करवाएंगे और डिस्चार्ज की तरह वो करेंगे, जो इंश्योरेंस में पेपर लगते हैं वो उनको वापस होना चाहिए, हॉस्पिटल को पैसे वापस जो मिलते हैं वो, तो पूरी जो प्रोसेस है उसके लिए आयुष्मान मित्र का वैकेंसी निकला हुआ है। इसमें काम कैसे करेंगे, इसमें आपको एक तो पहले है कि फ्रेंड आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा रजिस्ट्रेशन करने के बाद। इसमें कोई भी एग्जाम इंटरव्यू की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है कि आपको एक अप्लाई जैसे ही करेंगे तो लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा, आपको सिर्फ क्या करना है कि सॉफ्टवेयर पर बैठकर आयुष्मान मित्र अपनी ट्रेनिंग ऑनलाइन कर सकेंगे। तो आपको क्या है कि ट्रेनिंग दिया जाएगा कि कैसे क्या गाइड करना है, बीच बीच में आपको ट्रेनिंग बताया जाएगा, कैसे पेपर वर्क पे काम करते हैं, कैसे मरीजों से बात करते हैं, कैसे क्या कम्युनिकेशन होना चाहिए, पूरी जानकारी आपको बताई जाएगी, तभी आप इसको काम कर पाएंगे। तो बिल्कुल सही है कि ये ट्रेनिंग आपको गवर्नमेंट की तरफ से ही मिलेगा। प्रत्येक मरीज के हिसाब से 50 रुपये का इंसेंटिव भी है, तो जितने मरीज आपके थ्रू, आप जिस मरीज के बीच में आप पेपर वर्क या कोई कम्युनिकेशन आपके थ्रू हुआ है, तो 25 रुपये इंसेंटिव है, और उसके अलावा 15,000 से लेकर के 30,000 रुपये तक का मासिक वेतन भी आपको मिलने वाला है। इस आयुष्मान मित्र बनने के लिए क्या ज़रूरी है, तो आयुष्मान मित्र बनने के लिए पहले तो भारतीय का निवासी होना चाहिए, इंडियन होना चाहिए, न्यूनतम एज 18 होना चाहिए, और वो मैक्सिमम जो है वो 30 वर्ष का ही है, तो 30 से ज़्यादा है तो अप्लाई नहीं कर सकेंगे आप। स्थानीय भाषा, जैसे कि आप जिस एरिया से बिलोंग करते हैं, जैसे कि हिंदी होना चाहिए और इंग्लिश होना चाहिए। स्थानीय भाषा मतलब आपके यदि कोई साउथ इंडियन जैसे होते हैं, जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, तो इस तरह का यदि एरिया से बिलोंग करते हैं तो आपको ये बेसिक लैंग्वेज होना आना ज़रूरी है। यदि आप नॉर्थ इंडिया में जाते हैं तो वहाँ पे हिंदी आपको ज़रूरी है और इंग्लिश तो आपको ज़रूरी है, यदि आपकी नॉर्मल नॉलेज होनी चाहिए।
कम से कम 12वीं जो आपकी है वो आप क्लियर होना चाहिए, कंप्लीटेड होना चाहिए, और थोड़ा आपको पास कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए। बात करें फ्रेंड आप अप्लाई कैसे करेंगे, तो अप्लाई करने के लिए मैंने आपको जो टॉप में दिख रहा है https://pmgay.gov.in/आयुष्मान-मित्रा, तो ये आपको सर्च करना पड़ेगा। मैं कमेंट बॉक्स में भी ये जो वेब पोर्टल का लिंक है ये मैं आपको डाल दूंगा, आप वहाँ से क्लिक करके डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं इस साइट पे। तो जैसे ही आप विजिट करते हैं इस साइट पे तो आप देख सकते हैं इस तरह का ये ऑप्शन बना होता है, क्लिक हेयर टू रजिस्टर। तो यहाँ पे लिखा भी है बी एन आयुष्मान मित्र स्प्रेड द वर्ड हेल्प द इंडिया बिकम आयुष्मान। तो इन्होंने बोला कि आप अपने सही शब्दों को आप स्प्रेड करें, जानकारी फैलाएं आयुष्मान के बारे में। तो मैंने कि यहाँ पे जैसे क्लिक हेयर टू रजिस्टर लिखा हुआ है तो आपको क्लिक हेयर टू रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं यूज़र मैनेजमेंट है, इसमें आपको क्या है सेल्फ रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो पहले प्रोसेस में यही है कि सेल्फ रजिस्ट्रेशन करना होता है, सेल्फ रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दें। जैसे ही क्लिक करते हैं फ्रेंड तो यहाँ पे जो भी आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पे डालें, लिखा हुआ है आधार मोबाइल नंबर और आधार नंबर, तो आधार नंबर भी आप डालें और उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर दें। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करते हैं तो आपके पास ये क्लियर जो डिक्लेरेशन है वो आ जाता है, आपको यहाँ पे टिक जो है बॉक्स बना हुआ उस पर टिक करना है। जैसे ही टिक करते हैं तो आपके पास जो अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर दिया था वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे भी डालना है, तो यहाँ पे OTP आ जाएगा, उस नंबर पे आपके पास चला जाता है, वो OTP आपको यहाँ पे इंटर करना है 6 डिजिट का डिजिट। जाते ही आपको यहाँ पे क्लिक करके और आपका ये मोबाइल नंबर भी यहाँ दिखता है लास्ट के 4 डिजिट, यहाँ पे जैसे ही आप OTP डाल देते हैं वैलिडेट पे क्लिक कर दें। वैलिडेट पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपका ये क्लियरफाई कंप्लीट हो जाता है। अब मेन जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन हो जाता है, ज़्यादा कुछ इसमें आपको फिलअप करना नहीं होता है, सिर्फ आपका जो स्टेट है प्लीज चेक बॉक्स इज इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन एड्रेस ही सेम। तो आप जैसे कि आपका आधार कार्ड में जो डिटेल है वो आप वहीं पे आप रह रहे हैं और आपने अप्लाई भी वहीं से किया है तो यहाँ पे टिक मार्क कर सकते हैं। यदि आप मान के चलो आप कोई भी एरिया कोई लोग भी लोकेशन पे रह रहे हैं और आधार कार्ड का एड्रेस अलग है डिफरेंट है, तो यदि आपका डिफरेंट हो तो यहाँ पे टिक नहीं मारना है, टिक नहीं करना है इसमें। अब आपको मैं बता दूं स्टेट, क्योंकि आधार कार्ड में जो आपका है ना तो ऑटोमेटिक वो गवर्नमेंट डिटेक्ट कर लेती है आधार कार्ड से कि हाँ यही एड्रेस ही है, अदरवाइज यदि आपका डिफरेंट है तो आप यदि टिक मार्क करेंगे तो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। यदि डिफरेंट है तो आप यहाँ पे स्टेट है स्टेट सेलेक्ट करें, डिस्ट्रिक्ट आपका सेलेक्ट करें, पिन कोड डालें, एड्रेस आप पूरी तरह से फिलअप करें, इसमें डिटेल पूरी डिप में डालें जो भी आधार कार्ड में है आपका। आप उसके बाद यहाँ पे रोल्स डिटेल हैं तो यहाँ पे IT प्लेटफॉर्म देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको B2 सेलेक्ट करना है क्योंकि ये सेल्फ यूजर के लिए है, अदरवाइज देखिए ये ऑप्शन तो हर किसी के लिए है, जैसे कि डॉक्टर नर्स हर के लिए हैं, कोई भी कर सकते हैं काम को, तो इसीलिए आपको BS2 पे 2.0 पे क्लिक करना है तभी ये ऑप्शन आता है सेल्फ यूजर का। सेल्फ यूजर मतलब कोई भी कर सकता है इसमें, तो सेल्फ यूजर पे क्लिक करें, आपको सेलेक्ट करना है, उसके बाद क्रिएट ऑप्शन पे सिलेक्ट करना है। तो जैसे ही क्रिएट ऑप्शन करते हैं आपके पास कंफर्मेशन हो जाता है, तो बैक टू मेन पेज आपका फिर से पीछे जो पेज से आप जाते हैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए वही पेपर पे पेज पे आ जाता है आपका। यहाँ पे है अप्रूवल लॉगिन, मतलब आपका लॉगिन होना अप्रूवल पेंडिंग है, तो यहाँ पे जैसे ही अप्रूवल लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्रूवल लॉगिन पे क्लिक करते हैं आपका लॉगिन आईडी, तो ये जो आप रजिस्टर यहाँ पे क्रिएट जैसे ही कंप्लीट होता है ना तो आपके पास एक पॉपअप मैसेज बन के आ जाता है जिसमें आपका लॉगिन आईडी होता है, तो वो नोट करके जरूर रख लें। जैसे ही नोट यहाँ पे अप्रूवल लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का ओपन हो जाता है, तो लॉगिन आईडी में जो आपको रजिस्टर नंबर मिला है आयुष्मान की तरफ से, तो यहाँ पे आपको वही डालना होगा और स्टेट जो आप स्टेट से बिलोंग करते हैं फिलअप करने के टाइम पे आधार कार्ड में जो डाला होगा वो स्टेट पे यहाँ पे सेलेक्ट करें और लॉगिन पे क्लिक कर दें। तो जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो आपके पास सारा मैनुअल आ जाता है डिटेल कि पेशेंट का डिटेल या जो भी डिटेल आप फिलअप करते हैं जो कम्युनिकेशन होती है वो सारी डिटेल फिलअप करने के लिए आ जाती है, तो आप एक तरह से बैठे बैठे कमा सकते हैं घर पे भी रह करके। यदि आपको कुछ नॉर्मल सा 12th आपने किया है और कुछ कंप्यूटर का नॉलेज है नॉर्मल तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड। तो
तो ये मैंने आपको ये वीडियो अभी जो लेटेस्ट वैकेंसी आई है आप डायरेक्ट इसमें बैठ करके अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली ये आपके लिए बेहद मतलब एक तरह से बहुत बढ़िया मौका है कि आयुष्मान मित्र बन सकते हैं। बेसिक नीड्स जो जिनको ज़रूरत है वो गवर्नमेंट का मेन मोटिव यही है कि ये जो आयुष्मान कार्ड है 5 लाख का जो मतलब इंश्योरेंस मिलता है तो वो आपको बेसिकली मेन है कि इन्फॉर्मेशन को फैलाना है हर किसी के पास कि बनता कैसे है अप्लाई कैसे करना। तो बिल्कुल आपको यदि नॉलेज नहीं है तो आप जीरो से हीरो बन सकते हैं। इसमें ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से आपको पूरी तरह से डिटेल ट्रेनिंग दी जाएगी फ्रेंड। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, फ्रेंड सब्सक्राइब तो जरूर करें, इस तरह का वीडियो फैमिली फ्रेंड में जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका।